अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद अशरफ और आप देख रहे हैं MSTV यूट्यूब। आज मैं आपको एक ऐसे कीबोर्ड से मतलब बताने जा रहा हूं जिससे आप डिफरेंट किस्म के स्टाइलिश इंग्लिश लिखकर अपने दोस्तों को सरप्राइज दे सकते हैं, हैरान कर सकते हैं। ये सब कैसे किया जा सकता है ये बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो सबसे पहले आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, इस वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपको शो होगी और वहाँ पर लिंक मौजूद होगा, वहाँ पर क्लिक करके आपने ये कीबोर्ड डाउनलोड करना है और उसके बाद इसे आपने कर देना होगा ओपन। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैंसी की कीबोर्ड कूल फाउंड इमोजी, तो यहाँ पर आपको फाउंड और इमोजी भी मिल सकती है। और नीचे यहाँ पर कैरो है जिसके नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट, तो यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने अगला स्टेप यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फैंसी स्टाइलिश फाउंड कीबोर्ड एनेबल कीबोर्ड हायर, यू कैन एनेबल 10 फैंसी कीबोर्ड 10 फ्रॉम सेटिंग, तो यहाँ पर इसकी सेटिंग वगैरह भी है। तो नीचे आपको स्टेप नंबर 1 मिलेगा, यहाँ पर आपने कर देना होगा क्लिक। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड के सेटिंग में चले जाएंगे, यहाँ पर जितने कीबोर्ड आपके मोबाइल फ़ोन में होंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ पर हम जिस कीबोर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो है फैंसी फाउंड इमोजी कीबोर्ड, तो यहाँ पर आप इसे कर देंगे सिलेक्ट। उसके बाद आपने बैक चले आना है और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं 2 जो है स्टेप हमें मिला है, तो इस पर भी हम कर देते हैं क्लिक। और उसके बाद हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश US एंड्रॉइड मोबाइल का जो हमारी इस वक्त सेटिंग है, तो यहाँ पर हम इंग्लिश US फैंसी फाउंड, तो यहाँ पर ये स्टेप नंबर 2 को भी ज़रूरी फॉलो करना है क्योंकि इसके अलावा फिर आपका कीबोर्ड नहीं होगा सिलेक्ट आपके मोबाइल फ़ोन में। उसके अलावा यहाँ पर आप टच साउंड का जो सेटिंग वगैरह है, वाइब्रेट की है और R2 जो आपके हरूफ पहला हरूफ बड़ा हो वो वाली तमाम तर सेटिंग भी कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं वापस कहीं पर लिखते हैं जाकर, व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम बिल्फाज में यहाँ पर आपको नाम लिखकर दिखाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल टेक्स्ट, टेक्स्ट एमोजी और इमोजी, उसके अलावा फैंसी टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप जो फैंसी टेक्स्ट वगैरह डालना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं फैंसी टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से आपने इसे चेंज कर रहे हैं और आपके सामने इस तरह से फैंसी ये स्टाइलिश किस्म के फाउंड जो हैं वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर अपना नाम, तो कैसा लिखा जाता है देखिए। दोस्तों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने नाम लिखा और अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने फिर से ये शो होंगे और यहाँ पर हम जो भी यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे रिकमेंड करूँगा अगर आप बेहतरीन किस्म की इमोजी के लिए कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो कीके कीबोर्ड बहुत ही सुपर रहेगा। कीके की स्पेलिंग है KIKY, कीके कीबोर्ड, तो वो वाला कीबोर्ड जो है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको मिल जाएंगी इमोजी, जिसमें अगर आप YouTube के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, Facebook के लिए बनाना चाहते हैं, Instagram के लिए बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत से खूबसूरत आइकॉन मिल सकते हैं। वैसे आपको क्रोम से जाकर PNG की सूरत में डाउनलोड करने पड़ते हैं, फिर वीडियो में ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ से आप डायरेक्टली अपने टेक्स्ट के ज़रिए वहाँ से कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।